हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग इंडिया जीके से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला करने वाले हैं और उन सारे प्रश्नों से, मान के चलिए एक एक प्रश्न में हम तीन तीन चार चार अलग अलग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, मतलब कि लगभग 150 से 200 आप लोग को अलग से इंडिया जीएस का जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो आज आप लोग को मिलने वाला है। और ये आप लोग जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सारे एग्ज़ाम जहाँ भी इंडिया जीएस इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, वहाँ पर ये आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत से एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं, तो सीधा सीधा समझ के चलिए कि सबसे बढ़िया रिसोर्स ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग के बीच में हम लोग आज डील करेंगे। हालांकि ये सीरीज और आगे चलेगी और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज को मैं आप लोग के बीच में लाने की कोशिश करता रहूंगा। बस यही है कि वीडियो को आप लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। आप सभी को पता है कि दार्जिलिंग क्या है, एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी के साथ दार्जिलिंग का एक अपना अस्तित्व है। पूछा गया है कि ये भारत के किस राज्य में है, तो जिन लोगों को पता है कमेंट करके भी आंसर रिप्लाई करो भाई, भारत में दार्जिलिंग किस राज्य में है, तो ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किसमें है, तो सर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। और ये किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो याद रखना क्योंकि ये क्या है, पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा नेचुरल ब्यूटी अगर यहाँ देखोगे तो भैया उच्च स्तर का है ना, तो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो याद रखना महाशिवालिक पहाड़ी श्रेणी का ये हिस्सा है। इसके अतिरिक्त दो तीन इंपॉर्टेंट बातें और कि पश्चिम बंगाल किस लिए या किस कृषि के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, तो भैया वो होता है आप सभी लोगों का धान की खेती यहाँ पर मनमाने होती है। साथ ही साथ में आपको पता है यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो मछली है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पश्चिम बंगाल। नवरात्रि में आप सबको पता है कि भारत में सबसे महंगे और बड़े बड़े पंडाल कहाँ, पश्चिम बंगाल में यूज़ किए जाते हैं। अभी वर्तमान में वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिसकी तत्कालिक मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं। तो ये पहले क्वेश्चन से, जैसे मैंने बोला था कि एक एक क्वेश्चन पे मैं पांच पांच छह छह कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब आपको केवल ये 50 क्वेश्चन की सीरीज नहीं मिल रही, इस सीरीज के साथ आप लोग बहुत सारे और नए नए कॉन्सेप्ट को जान पाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, भैया तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, तो याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। आप सबको पता है आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। और तीन चार इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला फैक्ट कि भाषा के आधार पर विभाजित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर विभाजित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर विभाजित होने वाला भारत का पहला राज्य, विभाजित होने वाला भारत का पहला राज्य। तो ये सवाल कई बार बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछ चुका है कि भारत में, देखो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो उनकी मंशा कुछ और थी, उनको भारत का विभाजन करना था अलग अलग राज्यों में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी भी एक संघ को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी शक्तियों को थोड़ा थोड़ा बांटना जरूरी है। जैसे हमारे देश में ही आपको पता है कि दोहरी शासन व्यवस्था चलती है, केंद्र सरकार की अलग चलती है, राज्य सरकार की अलग चलती है। राज्य सरकार के अंतर्गत आप लोगों को पता है जिला परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, ये सारी सारी इकाइयों में क्या होता है, जो शासन का जो प्रतिनिधित्व है वो बांटा जाता है, ताकि समाज के सबसे छोटे से छोटे कस्बे के से लेकर राष्ट्र के बड़े से बड़े मुद्दों को भी, जो भी हमारे मतलब कहना चाहिए प्रतिनिधि हैं, उन तक पहुंचाया जा सके और फिर विकास की धारा से जोड़ा जा सके, ठीक है। तो भाषा के आधार पर विभाजित होने वाला पहला राज्य, ठीक है, होने वाला पहला राज्य कौन था, तो भैया वो आंध्र प्रदेश था। पूछा जाए कब हुआ, तो भैया ये 1 अक्टूबर 1953 का था समय, 1 अक्टूबर 1953। इसमें भी एक बहुत बड़ी मतलब रोचक फैक्ट है कि एक बहुत बड़े मतलब समझ लीजिए मंदूर वो नेता थे, लगभग उन्होंने एक लंबे समय तक उपवास रखा, ठीक है, मतलब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का विभाजन करने के लिए, और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए बहुत ज़्यादा उग्र हो गया ये आंदोलन और फाइनली आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर सबसे पहले भारत में एक अस्तित्व मिला। और ध्यान समझेंगे, इसमें एक चीज और पूछता है कि भारत में राज्य विभाजन अधिनियम कब बना, तो उस समझिएगा रेंदुरु जी ने 1952 से इस पे काम करना शुरू कर रहे थे, बट असल में 1956 में आया था और आंध्र प्रदेश 1953 में ही विभाजित हो गया था, ठीक है। तो पहला राज्य, तो मैंने तीन चार स्पेशल फैक्ट्स बता दिया आप लोग को, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इसकी राजधानी कहाँ है, तो सर हैदराबाद है। और आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश का भी विभाजन हुआ सीमांध्र में और हमारा तेलंगाना में,
जो कि कांग्रेस की उस समय की जो तत्कालिक सरकार थी, मतलब 2014 के जस्ट पहले 2013-14 के समय में सीमांध्र एज वेल एज हमारा जो तमिल राज्य है, तेलुगु राज्य, ठीक है, तेलंगाना। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सबको पता है कि भैया हॉकी का जो खेल है, ये पहली बात तो भारत का राष्ट्रीय खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल के रूप में आप लोग हॉकी को देखते हैं। और हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सर भारत में अगर बात की जाए तो प्रत्येक टीम में क्रिकेट की जैसे 8 खिलाड़ी यहाँ पर क्या होते हैं, प्लेइंग 11 में खेलते हैं। ध्यान समझिएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा हॉकी का वर्ल्ड कप किस देश के पास है? तो ये खिताब भी भारत को हासिल है। लगभग हमने 8 से ज़्यादा बार हॉकी में जो विश्व कप है उसको जीता हुआ है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ में आपको पता है कि हॉकी ओलंपिक के अंतर भी शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है सर? बांग्लादेश की मुद्रा अगर पूछी जाए तो ये टका है सर। क्या है सर? टका है। बांग्लादेश की राजधानी पूछी जाए तो वो ढाका है, ठीक है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा टका। एक और चीज़ समझिएगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश की करेंसी के ऊपर अक्सर सवाल बन जाता है या राजधानियों के ऊपर सवाल बन जाता है, तो आपको इन सारी चीज़ों को स्पेशली फोकस करना है। जैसे जापान की मुद्रा पूछा जाए तो येन है, सऊदी अरबिया की पूछा जाए तो रियाल है, साथ ही साथ में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और इंडोनेशिया, इन चारों पाँचों स्टेट में या कंट्रीज में जो करेंसी चलती है उसे हम लोग रुपया बोलते हैं, ठीक है। तो रुपया सभी चलता है। चलिए, मतलब ये जो एशियाई देश है वहां पर, दक्षिण एशियाई देश। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नील नदी, नील नदी के बारे में जान लीजिए कि भी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। आपसे ये पूछा जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो याद रखेंगे विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजॉन नदी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाए तो वो नील नदी है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोग को यहां और बता दे रहा हूं। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो याद रखिएगा, नील नदी जो है वो किस देश से होकर गुजरती है? तो वह है मिस्र। मिस्र आप सबको पता है कि अपने पिरामिड के लिए बहुत फेमस है, साथ ही साथ में रहस्यमयी वहां पर जो राज सल्तनत चलती थी उसके लिए, एज वेल एज मिस्र का जो आयुर्वेद विज्ञान था, ठीक है, उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित माना जाता था, ठीक है। तो इसलिए पूछा गया नील नदी के किनारे कौन से सभ्यता का विकास हुआ? तो याद रखेंगे मिस्र सभ्यता का। किस सभ्यता का विकास हुआ? सर मिस्र सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, क्योंकि मिस्र जो देश है उसी से तो ये नदी गुजरती है, और विश्व की सबसे लंबी नदी में नील नदी को माना जाता है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी मैंने बोला अमेजॉन, जो कि आप लोगों को पता है अमेजॉन नदी के जो दोनों ओर जो जंगल पाए जाते हैं, जिनको आप लोग को पता है कि अमेजॉन का जंगल बोलते हैं, उससे भी रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख लो कि पूरे पृथ्वी में आपको पता है पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और वही प्राणवायु के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। तो पूरे पृथ्वी का लगभग 20-30% ऑक्सीजन क्या होता है, अमेजॉन के जंगलों से उत्पन्न होता है। मतलब बहुत बड़ी जंगल है वहाँ पर, और साथ ही साथ में करोड़ों प्रकार की वहाँ पर प्राणियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसको वो फोना और फ्लोरा के नाम से जानते हैं। मतलब पादप को आप लोग फोना और ये जंतु को हम लोग फ्लोरा कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और समझ लेना कि अमेजॉन के जंगल को हम लोग लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, मतलब पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन सिक्रेशन हो रहा है वहां से सबसे ज्यादा अमाउंट में। चलो नेक्स्ट, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे? तो याद रखना ये होता है सर -40 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है सर? -40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तापमान के कुल कितनी इकाइयां होती हैं या कितने उसके यूनिट्स होते हैं मेजरिंग करने के लिए, तापमान को मापने की? तो याद रखना 4 होती हैं, पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा हमारा फ़ारेनहाइट, तीसरा जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है SI इकाई है वो है केल्विन, और चौथा आता है सर रियूमर स्केल। टोटल 4 स्केल आते हैं। तो मैं एक एडिशनल पॉइंट और बताया, कितने स्केल? 4 स्केल। उनके बीच का रिलेशन क्या है? तो याद रखना कि सर डिग्री सेल्सियस अपॉन में होता है 100, यहाँ पर ले लो 0 इक्वल्स टू F माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में ले लेना सर 180 इक्वल्स टू K -273 अपॉन में कितना होता है सर 100, ठीक है, इक्वल्स टू R -0 अपॉन में कितना होता है सर 80। ये एक रिलेशन है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, सभी अगर मान लीजिए आप लोग को वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में रख के आप लोग फ़ारेनहाइट में या केल्विन में या रियूमर में आप लोग आंसर काउंट कर सकते हो इस जनरल फार्मूला से।
अभी जनरल फार्मूला को लिखते ही मेरे प्यारे साथियों आप इतना समझिए कि अगर आपसे ये सवाल पूछ दे कि फ़ारेनहाइट स्केल में लोएस्ट लिमिट और हाईएस्ट लिमिट क्या होगी, जैसे पीएच स्केल पूछता है, सोरेनसन ने जिसे बनाया था 1903 या 7 में, तो आपसे पूछा जाएगा कि पीएच स्केल में कहां से कहां तक की लिमिट होती है, तो सर आप बोलते हो 0 से लेकर 14 तक होती है, जिसमें 0 से 6.99 तक एसिड रहेगा, 7 पे हमारा न्यूट्रल आता है, आसूत आता है, उदासीन, और फिर 7.1 से लेकर 14 तक क्या जाता है सर, छार जाता है। ये तब होता है सर जब आप रूम टेम्परेचर पे काम करो 25 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे ही अगर आप लोगों से पूछा जाए डिग्री सेल्सियस का जो रेंज है वो लोएस्ट रेंज क्या है और हाईएस्ट रेंज क्या है, तो याद रखना सर लोएस्ट रेंज सामने जो लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाटर कब फ्रीज होगा सर 0 डिग्री सेल्सियस पे, यही पूछा जाए वाटर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे बर्फ में बदल जाएगा सर, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये जो नीचे लिखा हुआ ना सर ये उस स्केल की लिमिट है, ये इतने दूर तक है, जैसे 0 से 14 तक में पीएच स्केल में 14 लिमिट है ना, तो भैया डिग्री सेल्सियस में 100 लिमिट होती है, मतलब इसकी लोएस्ट लिमिट 0 डिग्री सेल्सियस होगी, तो हाईएस्ट लिमिट इसकी हाईएस्ट लिमिट सर कितनी होगी 100 डिग्री सेल्सियस होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऐसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट में लोएस्ट लिमिट क्या है सर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हाईएस्ट लिमिट कितनी होगी, तो उसमें ये 180 जोड़ दीजिए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। क्लियर हो रही है बातें? तो पूछा जाए कि बर्फ का जो हिमांक है डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो याद रखना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और साथ ही साथ में अगर उसका क्वथनांक पूछा जाए, बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो वो हो जाएगा हमारा सर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? तो ये एक एक स्पेशल पॉइंट है, मैं एडिशनली आप लोगों को बहुत सी बातें बताते चल रहा हूं। मैंने बोला ना कि इस सेशन को अगर आप अटेंड करते हैं डेली तो आपको एक वीडियो में कम से कम 250 सवालों का आप लोग को यहां पर निचोड़ मिलेगा, और जो मैं मुंह से बोल रहा हूं सर ये सीधा सीधा सवाल बन सकता है। आपसे पूछ देगा रियूमर स्केल में कुल कितने मतलब रीडिंग के इसके वो रहते हैं पैरामीटर होते हैं, तो सर 80 रहते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 80, जिसका लोएस्ट लिमिट 0 है और हाईएस्ट लिमिट 80 है, ठीक है सर। ये पूरा का पूरा रिलेशन याद रखा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल आपस में बराबर होंगे, तो सर है -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक और सवाल पूछा जाता है जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, पहला कि टेम्परेचर की SI इकाई क्या है सर, SI यूनिट अगर आप लोग इसका देखोगे तो ना तो डिग्री सेल्सियस है ना ही आपका डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो है केल्विन, वो क्या है सर केल्विन। और एक सवाल और दोस्तों जो पूछा जाता है कि परम शून्य ताप, जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आप लोग नाम देते हो, तो परम शून्य ताप कितना होता है, तो परम शून्य ताप को सर आप लोग जीरो केल्विन बोलोगे, जीरो केल्विन, केल्विन देखो जीरो हंड्रेड हंड्रेड कैंसिल हो गया, अगर अपने को जीरो केल्विन चाहिए तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो सर ये -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस को ये हम लोग क्या बोलते हैं जीरो केल्विन बोलते हैं, और माना जाता है कि पृथ्वी पर इस रेंज से नीचे कोई टेम्परेचर नहीं जा सकता, तो मिनिमम टेम्परेचर जो पॉसिबल है वो जीरो केल्विन है, -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, हालांकि पॉइंट में कुछ और डाटा रहता है उसको मत देखो। चलो दोस्तों अगला सवाल आप लोग के बीच में है, कांसा, कांसा जो है ठीक है, पीतल और कांसा ये दो चीजें आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये किस प्रकार की मिश्र धातु है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पीतल और कांसा में याद रखेंगे प्रमुख रूप से आप लोग का कॉपर आता है, कौन आता है सर कॉपर आता है, पीतल में क्या रहता है सर कॉपर के साथ वहां पर जिंक मौजूद रहेगा, और कांसे में हम लोग कॉपर के साथ यहाँ पर हम लोग लेड लेंगे, किसको लेंगे सर सॉरी टीन को लेते हैं, क्या लेते हैं सर टीन को लेते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? सब लोग को ये बात समझ में आएगा कि भैया कॉपर के साथ यहाँ पर क्या रहेगा सर टीन रहेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना, पीतल पूछ दिया जाए पीतल में कॉपर के साथ सर मेरे ख्याल से जिंक आता है, ऐसे शोल्डर पूछ दिया जाए तो वहां पर सर कॉपर के साथ लेड आता है, ठीक है, वेल्डिंग सब्सटेंसेस में यूज करते हैं। तो ये पूरा एक एक जो एलॉयज होते हैं इसके मैंने पूरे वीडियोस हमारे ऐप पे अपलोड कर रखे हैं, उससे ज्यादा बाहर कभी हिंदुस्तान का कोई एग्जाम पूछ ही नहीं सकता सर। अगला क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो एक बहुत खूबसूरत सी मूवी आई थी आप सबने देखा होगा, महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी करके, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को जो उनके जो झारखंड के जो कोच होते हैं वो गलती से बताना ही भूल जाते हैं, और फिर महेंद्र सिंह धोनी अपने दोस्तों के साथ भागते हुए सुमो से जाते हैं, फिर फ्लाइट उनकी छूट जाती है, एट द एंड फाइनली वो किस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए दौड़ रहे थे, तो याद आ रहा होगा आप लोग को दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो सर ये
क्रिकेट से है। किससे है सर? क्रिकेट से है। भारत का सबसे लोकप्रिय गेम में क्रिकेट माना जाता है, हालांकि नेशनल गेम की बात करेंगे तो वो हमारा हॉकी है, परंतु सबसे लोकप्रिय गेम की बात करेंगे तो क्रिकेट है, जिसको अलग अलग फॉर्मेट में T20, 50-50, वन डे, आपका टेस्ट सीरीज और आजकल तो IPL का प्रचलन भी है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? LPG को हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ध्यान से समझना, पेट्रोलियम गैस, ओके। इसमें पूछा जाता है इसका मुख्य घटक कौन है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का अगर मैं मुख्य घटक की बात करूं तो मुख्य घटक के रूप में हम लोग यहां पर किसको लेते हैं सर? ब्यूटेन को लेते हैं। किसको लेते हैं? ब्यूटेन हो गया, आपका प्रोपेन हो गया, ये सब इसके मुख्य घटक है, जो कि अपने आप में एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है सर? हाइड्रोकार्बन है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप लोगों को सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर गैस इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि वो दुर्गंधयुक्त गैस होती है, अगर ये लीक करता है, लीकेज होती है, तो फिर उसकी स्मेल से आप लोग समझ पाते हो कि अच्छा यहाँ पर गैस लीक कर रहा है, जो कि एक बहुत कहना चाहिए कि घटना वाली स्थिति बन सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त याद रखना, मैंने सल्फर को नाम लिया तो धरती का सबसे दुर्गंधयुक्त गैस को इसको माना जाता है, तो ये भी याद रख लो, सबसे दुर्गंध युक्त गैस। तो पूरे पृथ्वी का सबसे ज्यादा दुर्गंध युक्त गैस अगर पूछा जाए तो वो कौन सी गैस है, तो वो ये भी याद रख लेंगे, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें भी क्या है सर? सल्फर है। और याद रखना, सड़े मछलियों से या फिर सड़े अंडे से इसकी स्मेल आती है, जो कि सबसे भयावह स्मेल है। और सबसे मधुर स्मेल की अगर बात की जाए तो वह है एरोमा। जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक यौगिकों में से एरोमा का स्मेल आता है, जो कि सबसे स्वादिष्ट या बोलना चाहिए कि सबसे खूबसूरत स्मेल मानी जाती है। और सबसे दुर्गंधयुक्त स्मेल में आप लोग H2S लेते हो। ठीक है, चलिए। कई जगह पर क्या होता है, जैसे आपने भूमिगत वाटर सोर्स देखा होगा, जो भी उसमें हीट रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे गर्म पानी के फवारे जमीन से निकलते रहते हैं, तो उसमें H2S गैस पाई जाती है। और लोगों की मान्यता है कि उसमें नहाने से जो स्किन से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं वो ठीक हो जाती हैं। कारण यही है कि इस गैस से जो हमारा चमड़े हैं उस पर जो दाग धब्बे होते हैं वो ठीक होते हैं। चलो अगला, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखेंगे, पुस्तकों के ऊपर, खेल के ऊपर एक आध सवाल तो बनता ही बनता है सर, इसलिए मैं हर टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखना, जिनको लोकमान्य की तिलक दी गई है, तो ये कौन है सर? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ओके, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं को क्या किया गया है? गीता रहस्य की पुस्तक का क्रेडिट मिलता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, लाल बाल पाल, ठीक है, ये कई सारे एग्जाम में भी पूछ चुका है, लाल बाल पाल से किस किस व्यक्तित्व का संबंध है? तो लाल से याद रखेंगे, जो हमारे भारत में जब कहना चाहिए कि नरम दल और गरम दल हुआ था, तो जो गरम दल के जो प्रमुख प्रतिनिधि थे, मतलब कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनका जो गुट का जो नेतृत्व करते थे, उनके मुखिया वो थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, जिनकी पुलिस द्वारा लाठी चार्ज में सर पे चोट लगने से मृत्यु हो गई। उसी के बाद से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा उग्र हुए। और इसी का देन था कि भगत सिंह ने क्या किया, सैंडरसन जैसे जो भी अंग्रेज अधिकारी थे उनकी दिन दहाड़े हत्या की और अपने आप को सुपुर्द किया देश के बलिदान के लिए। इसके अतिरिक्त लाल के बाद हम लोग किसको ले रहे हैं? बाल। बाल मतलब आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक, और एक आते हैं पाल। तो बाल जो पाल थे वो शायद बछेंद्री पाल थे शायद वो। ठीक है, चलिए, तो तीन हमारे नाम याद रख लेना। और नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो याद रखना, राज्यसभा जो है भारत की स्थायी सभा है। ठीक है, इसका जो चुनाव होता है सर वो 6 वर्ष के लिए होता है। और कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो सर 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो होते हैं इनका चुनाव हर साल होता है। 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल सर आपको पता है, लोकसभा का कार्यकाल आप लोग का 5 वर्षों का होता है।
और इसके पहले भी भंग किया जा सकता है विशेष स्थितियों में, परंतु जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे भारतीय सदन का स्थायी सदन भी बोलते हैं। और एक बात समझना, भारतीय संसद जो है इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक है उच्च सदन और दूसरा है निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, याद रखना, उच्च सदन लोकसभा नहीं है, हालांकि पावर ज़्यादातर लोकसभा के पास है, पर उच्च सदन हमारी क्या है, राज्यसभा है, और जो निम्न सदन है सर वो लोकसभा है। और लोकसभा में ही आप लोगों को पता है कि विभिन्न केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री बैठते हैं, ठीक है, आपके हालांकि राज्यसभा में भी होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और लोकसभा स्पीकर होते हैं, ये सारे लोग होते हैं, और ज़्यादातर पावर डिसीजन किसके पास है, लोकसभा के पास है, क्योंकि वो लोग प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए जनता के उम्मीदवार हैं। और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है, ये बड़े सारे इंपॉर्टेंट आप लोग को फैक्ट्स है, ठीक है। जनगढ़ जी है ना अभी, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है सर क्वेश्चन नंबर 12, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, भैया अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल, जैसे भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, 5 वर्षों का है, कितने वर्षों का है सर, 5 वर्षों का है, पर अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 4 वर्ष का होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल 4 वर्ष का होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर एक और नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही, मतलब 8 वर्ष तक ही राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर सकता है। जैसे आप सबको पता है कि अभी 2 बार पहले बराक ओबामा जी थे जो कि 8 वर्षों तक लगातार अमेरिका राष्ट्र के राष्ट्रपति के पद पर रहे, और ये विश्व का सबसे ताकतवर पद माना जाता है, ठीक है, विश्व का सबसे ताकतवर पद, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट ही सबसे ऊँचा होता है। यहाँ पर भारत में क्या होता है, प्रेसिडेंट तो नाम मात्र का शासक है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में सारी शक्तियां निहित है ना। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो सर वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट जोई बाइडेन जी हैं। कौन है सर, जोई बाइडेन जी है, काफी बुजुर्ग व्यक्तित्व है इनका। और इसके अतिरिक्त भूतपूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो सर वो डोनाल्ड ट्रंप जी थे, उसके पहले जैसे मैंने बोला बराक ओबामा जी ने 8 वर्षों तक 2 लगातार टर्म्स तक क्या किया था, राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। अयोध्या किस नगरी पे है, भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि, ठीक है, अयोध्या किस नदी पर है सर, तो ये सर सरयू नदी है। क्या है सर, ये सरयू नदी पर उपस्थित है अयोध्या नगर, जिसे भगवान रामचंद्र के जन्म स्थली के रूप में माना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वहाँ पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, और वहाँ पर राम मंदिर बनने के कारण उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी टूरिज्म, क्योंकि सीधी सी बात है कि जैसे हर धर्म में एक स्पेशल टाइप का एक पैलेस प्लेस होता है जहाँ पर उससे आस्था का प्रतीक माना जाता है। जैसे मान के चलिए इस्लाम धर्म में आपको पता है कि आपको हज के लिए मक्का मदीना जाना है, तो वो आस्था का प्रतीक है, ठीक है। ऐसे यरूशलेम है ईसाइयों का, एज वेल एज जो यहूदियों हैं उन सभी का क्या है, सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और अगर उसे आस्था का प्रतीक बनाया जाता है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर या किसी भी चीज़ द्वारा, तो आसपास में टूरिज्म प्लेस बहुत ज़्यादा फैलेगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि मान के चलिए कि भगवान रामचंद्र जी का ननिहाल कहा जाता है, भगवान रामचंद्र जी का ननिहाल कहा जाता है। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, भगवान रामचंद्र जी की माता का नाम आपको पता है कौशल्या था, माँ कौशल्या था, और पिता दशरथ जी थे, तो कौशल्या माता का जो कहना चाहिए माइका जो है वो छत्तीसगढ़ है, जिसे हम लोग दक्षिण कौशल का नाम देते थे, और अयोध्या क्या होता था, उत्तर कौशल के नाम से जाना जाता था पहले। तो जो दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र है अयोध्या, सॉरी छत्तीसगढ़, यहाँ पर पूरे विश्व का इकलौता कौशल्या मंदिर अभी वर्तमान सरकार ने बनाया है, ये भी एक करंट अफेयर्स का मुद्दा बन सकता है, ठीक है। तो पूरे विश्व में इकलौता कौशल्या माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के चंद्रखुरी में स्थित है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अतिरिक्त आप याद रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य में राम वन गमन पथ के नाम से 52 जगहों को तारांकित किया गया है जो रामायण कालीन स्थल है, और उन सभी का विकास किया जा रहा है ताकि टूरिज्म प्लेस बढ़े। पूरा राम जी जिस बेल्ट से गए ना, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो ज़्यादातर समय वो उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही गुजारा है। माता सीता का जो अपहरण हुआ है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में पंचवटी नाम का है शायद मेरे ख्याल से, तो वहां से हुआ था, ठीक है, जो कि आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन,
परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सर आप सबको पता है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक होता है नाभिकीय संलयन, जिस पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है जो कि तारों के अंदर होता है, और जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त तीन चार पॉइंट और बताता हूँ कि नाभिकीय विखंडन में होता क्या है। यूरेनियम का हैवी आइसोटोप लिया जाता है 235, ये मंद गति से आते हुए न्यूट्रॉन से टकराता है और फिर ये तीन भागों में बढ़ जाता है। एक होता है हमारा क्रिप्टोनियम, दूसरा बेरियम और फिर तीसरा हमारा तीन और नए न्यूट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस ऐसे ही जारी रहती है। तो ईंधन के रूप में हम लोग किसको यूज़ करते हैं सर? यूरेनियम 235। इसमें तीन चार सवाल, मंदक के रूप में या कंट्रोल रॉड के रूप में किसको यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल रॉड के रूप में आप लोग याद रखना, ये लोग का काम ही है न्यूट्रॉन को बस सोख लेना। उसके रूप में हम लोग कैडमियम के या बोरॉन की छड़ों का उपयोग करते हैं। मंदक के रूप में किसको यूज़ करते हैं, मतलब कि कूलेंट के तौर पे, तो भैया मंदक के रूप में यहाँ पर आप लोग हैवी वाटर को यूज़ करते हो या ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट को स्नेहक या मंदक के रूप में ग्रेफाइट को उपयोग करते हैं। आप सबको ग्रेफाइट से रिलेटेड भी एक फैक्ट पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट इकलौता ऐसा अधातु है, नॉन मेटल है, जो विद्युत का सुचालक है। उष्मा का कुचालक है पर विद्युत का सुचालक है। तो ये स्पेशल टाइप के पॉइंट्स होते हैं जो कि परमाणु बम से आधारित है। सबसे पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो याद रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर जापान ने क्या किया था, अमेरिका का एक नेवी बेस था पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर मेरे ख्याल से अमेरिका युद्ध से तटस्थ था। बावजूद उसके 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ तो जापान के लोगों ने अमेरिका क्या है दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करके पैसा कमाता था मनमाने। जापान को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो जाके पर्ल हार्बर नेवी बेस था, वहां पे जाके बम गिरा दिया। 3000 से तो ज्यादा ऑफिसर रैंक वाले लोग गए थे ना, मारे गए थे, हजारों उसमें नौसेना के अधिकारी मरे। अमेरिका ने क्या किया, दुनिया भर के सारे टॉप दिमाग जो थे उस समय के 1920-30 के दशक वाले, सबको उठाया, 22-22 घंटा काम करवाया, 4-5 साल का समय लगा। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने बिना टेस्ट किए पहला परमाणु बम जापान की हिरोशिमा नाम के शहर पे गिराया। सांस्कृतिक धरोहर से बहुत महत्वपूर्ण शहर था और खाक बन गया ना महज कुछ मिनटों में। इसके बाद 2 या 3 दिन बाद 8-9 अगस्त को एक और, पहले नागासाकी पे गिरा फिर हिरोशिमा पे गिरा। और ये बम के नाम भी आप लोगों से पूछा जाता है तो लिटिल बॉय और फैट मैन, ये बम के नाम थे। और ये परमाणु बम का पहला परीक्षण था जो सीधे ही युद्ध के रूप में उपयोग में लाया गया, और उससे मानवीय सभ्यता का सबसे बड़ा काला दिन कहा जाता है, क्योंकि लगभग 2-2.5 लाख लोग तो सीधे खाक बन गए थे। और उस रेडिएशन का ऐसा असर है कि आज भी जापान में बहुत से बच्चे उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या होते हैं, अपंग पैदा होते हैं, मंद बुद्धि के पैदा होते हैं, ठीक है। चलिए, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है सर? विद्युत धारा की इकाई की बात करेंगे तो ये एम्पियर है सर। क्या है सर? एम्पियर है। और इसको किस यूनिट से या इक्विपमेंट से मापा जाता है? तो सर वो होता है एमीटर से, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है और उसे मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन को नियंत्रित करने वाले, सॉरी क्या है ये, थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिलीट कर लीजिए। नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज की आवश्यकता है? एक्चुअल में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मनुष्य के हृदय में जो रक्त की जो प्रवाह है, ठीक है, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज होता है? तो याद रखेंगे पोटेशियम पर। अगर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग डिलीट कर लीजिएगा, कारण ये है कि ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें प्रॉपर क्वेश्चन सही से आया नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने थी किसी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सर। ये थे हमारे एलेक्सजेंडर फ्लेमिंग। कौन थे सर? एलेक्सजेंडर फ्लेमिंग थे। आपको पता है पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, तो एलेक्सजेंडर फ्लेमिंग जो थे ये बहुत प्रसिद्ध हमारे बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। चलो अगला सवाल थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, वैसे एलेक्स बस जेंडर रहता है, एलेक्स मत करो।
ओके नेक्स्ट है मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सिंकोना से प्राप्त होती है। सिंकोना जो पेड़ होता है उसकी छाल से मलेरिया का औषधि बनाया जाता है। अब मलेरिया नाम आया तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया याद रखिएगा मलेरिया सर अपने आप में एक पैरासाइट कॉजिंग डिसीज है, मतलब कि परजीवी से होने वाला रोग है। मादा एनिफिलीज जो मच्छर होती है, ठीक है, मादा एनिफिलीज मच्छर उसके लार में पाया जाता है। मादा एनिफिलीज नाम याद रखेंगे, मादा एनिफिलीज जो मच्छर है उसके लार में पाया जाता है सर क्या, प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट। क्या, किस नाम का सर, प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट, और यही हमारे रक्त में वो क्या करती है, छोड़ के जाती है और ये मलेरिया जैसे बीमारियों का आधार बनाता है। इसके अलावा एक और चीज पूछा जाता है, पीला ज्वर, ठीक है, पीला ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है, या जापानी सिंड्रोम किस मच्छर के काटने से होता है, सब इंपॉर्टेंट है, या डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो उसको याद रखेंगे, उसका नाम है सर एडीज एजिप्टी नाम का मच्छर, वो भी फीमेल कैटेगरी में ही आती है। तो मादा एनिफिलीज मच्छर उसके लिए है, मलेरिया के लिए है, बाकी डेंगू या पीला ज्वर या जापानी सिंड्रोम की अगर बात करेंगे तो सर ये एडीज एजिप्टी नाम की, फीमेल एडीज एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, किस रंग का दिखाई देता है, तो याद रखेंगे सर अंतरिक्ष का जो रंग है वो काला रंग है। कौन सा रंग है, काला। आप बोलोगे सर हमको तो हमारा अंतरिक्ष आसमानी दिखाई देता है, क्यों दिखाई देगा सर, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पर लगभग 70% हिस्सा क्या है, जल है, और जल का जो रंग है वो थोड़ा नीला रंग में लिया जाता है, इसलिए आपको पता होगा रमन प्रभाव के कारण जो जिस कलर का अधिकता रहेगा उसी कलर का उसमें आसमान दिखाई देगा। जैसे पृथ्वी से आसमान आपको नीला दिखाई देगा क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक नीले ग्रह है, इसलिए आसमान आसमानी या नीला दिखाई देता है। आप मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, आप एक मूवी देखेंगे द मार्शियन करके, ठीक है, उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड हमेशा ऑरेंज कलर का दिखाया गया है या लाल कलर का दिखाया गया है। क्यों ऐसा, क्योंकि जब मंगल ग्रह की पूरी भूमि क्या है, लाल रंग की बनी है, इसलिए वहां से जब आप देखोगे वहां लाल रंग की अधिकता है तो आसमान आपको लाल दिखाई देगा। आप जुपिटर पे चले जाओगे तो हो सकता है आसमान आपको पीला दिखाई देगा, आप चंद्रमा पे चढ़ जाओगे तो हो सकता है वहां से आसमान आपको स्लेटी कलर का दिखाई देगा। तो हर ग्रह पे जिस रंग की अधिकता होती है उसके कारण आसमान का रंग आपको वैसा दिखाई देता है, पर हकीकत यही है कि आसमान का रंग किस रंग का है, तो सर काला रंग का है। इसलिए जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं फॉरेन में, जब मूवी हॉलीवुड की बनती है जैसे ग्रेविटी जैसी बड़ी मूवी है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब दो एस्ट्रोनॉट बात करते हैं पीछे का पूरा बैकग्राउंड काला रखा जाता है, बिकॉज वो लोग स्पेस में रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ, होप सो ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगे होगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को जानने समझने मिली होगी। एक क्वेश्चन तो हमेशा आप लोग को पता है फुल फॉर्म के ऊपर जरूर से पूछा जाता है, तो ATM का पूर्ण विस्तार क्या है, तो याद रखेंगे ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन या टेलरिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। जो आप लोग ATM यूज करते हो ना भैया, ठीक है, पैसे निकालने के लिए या पैसे जमा करने के लिए, तो भैया याद रखेंगे उसका पूरा नाम है ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टेलर मतलब काउंटिंग मशीन, ओके। चलिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, सबको पता है कि बोध गया जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है, बिहार की भूमि इसीलिए बहुत ज्यादा पावन है बोध गया के कारण। तो बोध गया भगवान बुद्ध का जन्म स्थल भी है, एज वेल एज आप लोगों को पता है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था सर, तो ये क्षत्रिय कुल के राजा के घर में हुआ था और लुम्बिनी में मेरे ख्याल से हुआ था। और इसके अतिरिक्त इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनके पुत्र का नाम, इन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, राहुल इसलिए रखा था क्योंकि पुत्र के आने के बाद से गौतम बुद्ध काफ़ी विचलित हो गए थे कि अब मेरे पैरों में बेड़ियाँ बांध दी गई हैं, इसलिए पुत्र का नाम राहुल रखा गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको पता है पुत्र प्राप्ति के तुरंत बाद गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया ज्ञान की खोज के लिए, और बहुत लंबे समय के बाद माना जाता है कि बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे या वट के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने पहला प्रवचन कहां दिया था, तो सर सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो ये भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड पूरी बातें हैं, और मेरे ख्याल से कुशीनगर में इन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो ये पूरा भगवान बुद्ध से रिलेटेड सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है, पक्का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो याद रखना बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें भगवान बुद्ध के सारे क्या होते हैं, ज्ञान समाहित रहते हैं। आर्य समाज के संस्थापक तो आप सबको पता है, आर्य समाज के संस्थापक आचार्य दयानंद,
ठीक है, तो आचार्य दयानंद सरस्वती भी बोल लो, आचार्य दयानंद, ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो सर ये गुरुमुखी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आप सबको पता है कि जो सिख धर्म है उसमें जितने भी गुरु हुए हैं, ठीक है, तो उन सभी को उनका आराध्य माना जाता है, उन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है, जैसे नानक साहब हो गए इस टाइप से। भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणतम हिस्सा कौन सा कहा जाता है? भारत में जो भारत का जो लैंड है, मतलब अधिकृत जो भूमिगत क्षेत्र है, उसका अंतिम छोर दक्षिणतम हिस्सा किसे माना जाएगा? तो यह है कन्याकुमारी। किसे माना जाएगा सर? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी अपने आप में एक हेरिटेज है और आप सबको पता है टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का भी एक बहुत खूबसूरत सा मान के चलिए कि स्मृति बनाई गई है, मंदिर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कन्याकुमारी पवन ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, पूरे विश्व में पवन ऊर्जा के प्रोडक्शन में भारत का स्थान चौथा आता है और सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से कहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है? सर कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है, मतलब वहाँ पर भोर सबसे पहले होता है, सूर्योदय सबसे पहले होता है। क्लियर रहेंगी बातें? चलें आगे बढ़िएगा, ठीक है। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि दो काले दिन के रूप में जाना जाता है, एक 6 अगस्त दूसरा 8 या 9 अगस्त, ठीक है। पहला हिरोशिमा पे गिरा था और दूसरा था नागासाकी पे, जापान की। ये दोनों बहुत ही ऐतिहासिक शहर थे। कब गिराया गया? तो 1945। ये दो बम गिरते ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके साथ ही जो जर्मनी थी उसके सहयोगी देश में मजबूत देश था जापान, ठीक है, जिसकी एयरफोर्स पावर बहुत ज़्यादा थी, उसके समर्पण के साथ ही जर्मनी का भी हौसला टूट गया और 1945 में आपको पता है कि लगभग जून जुलाई के माह तक में क्या हुआ था कि युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट और पूछा जाता है कि 1 या 3 सितंबर के आसपास एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का तानाशाह था, जिसका सेकेंड विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ माना जाता है, तो उसने स्वयं की क्या की थी? आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, सितंबर के महीने में। साथ ही साथ में सेकेंड वर्ल्ड वार एडोल्फ हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वार से रिलेट करना, गलती से अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार बोल दिया होगा तो। जो उसके विजयी देश में कौन रहे? तो सर ये इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश रहे, उनके सहयोगी देश रहे, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सर सतलुज नदी पर स्थित है। मैं गया भी था इसको देखने, ठीक है, तो बड़ा भाई भव्य है नज़ारा। ये भारत का सबसे बड़ा डैम है, भारत का सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, और सतलुज नदी पे है, जो कि आप लोग को हिमाचल प्रदेश और जो हरियाणा है उसके बॉर्डर पर स्थित आई आप लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भैया राष्ट्रीय पुष्प है ये, एक्चुअल में राष्ट्रीय पुष्प क्या है वो सभी को पता है सर, कमल है, रोज नहीं है, ठीक है। क्या आप ये दिल क्यों तोड़ा वाले में रोज फेंकते रहते हो ना, तो रोज होगा नहीं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल को लिया जाता है, राष्ट्रीय फल के रूप में आम को लिया जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आप लोग अशोक चिन्ह को यूज करते हो, तो ये जितने भी राष्ट्रीय चीजें हैं, राष्ट्रीय अगर पशु की बात की जाएगी तो सर वो शेर नहीं है, सर वो बाघ है, और राष्ट्रीय जो हमारे पक्षी हैं वो मोर को उसकी उपाधि हासिल है। राष्ट्रीय खाने की भी बात की जाती है तो समूहता जलेबी को लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि खिलाड़ी धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो आप सबको पता है कि खिलाड़ी धनराज पिल्ले जो थे ना सर, धनराज पिल्ले को हम लोग हॉकी का क्या मानते थे? जादूगर मानते थे। एक बार की किंवदंती है कि जर्मनी में मैच हो रहा था, हिटलर बैठ के देख रहा है, सर कौन देख रहा है? देख रहे हो दुनिया का सबसे तानाशाह इंसान जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती थी, तो हिटलर भी उस मैच में मौजूद था और धनराज पिल्ले से गोल नहीं हो रहा था, तो फाइनली उन्होंने कह दिया मैच रोकने के लिए और उन्होंने बोला कि इस गोल पोस्ट को, जो सामने जर्मनी टीम की गोल पोस्ट है, इसका मेजरमेंट किया जाए। मेजरमेंट हुआ, सब लोग भड़क गए, अरे हिटलर के सामने ये आदमी बकवास कर रहा है करके, तो मेजरमेंट हुआ और सही में वो गोल पोस्ट छोटा निकला, इसलिए इनको कहा जाता है कि जादूगर थे धनराज पिल्ले, ठीक है। और याद रखेंगे ये हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है सर? हॉकी से संबंधित है, याद रहेगा, ठीक है। हॉकी में भारत को सबसे ज़्यादा विश्व कप जीतने का क्रेडिट हासिल है, या कहना चाहिए कि ओलंपिक गोल्ड मेडल का भी, ठीक। चलो
अच्छा, एक इसमें करेक्शन जरूर करिएगा, थोड़ा सा मेरे ध्यान में नहीं आया, मैंने धनराज पिल्ले के लिए बता दिया, वो जो हिटलर वाला जो वाक्य था ना, वो मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है, थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, क्योंकि सुबह एकदम आदमी वीडियो शूट कर रहा है लगभग 3:30-4 बजे, इसलिए। तो दोस्तों बस ये याद रखना कि वो मेजर ध्यानचंद जी थे, जिनको कहा जाता है जादूगर कहा जाता था हॉकी का, और इसीलिए भारत में जो खेल दिवस है वो ध्यानचंद जी की स्मृति में अब मनाया जाता है। नई सरकार ने ये क्या किया है, उद्घोषणा किया है, ठीक है। चलिए आगे आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं, तो वो हैं सर 5, और वो 5 सदस्यों में भारत नहीं है अपितु अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका के साथ साथ आप लोग को पता है दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में रूस है, फिर आप लोग का चीन है, ठीक है, सबसे परेशान करने वाला देश, और उसके अलावा फ्रांस है, और हमारा ब्रिटेन है। ठीक, ये 5 सदस्य क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के UNO के 5 स्थायी सदस्य हैं। भारत की बार बार ये होती है कि भारत को भी स्थायी सदस्य में चीज दिया जाए, मान्यता दिया जाए, बट चीन अपना वीटो पावर यूज़ करके भारत को बाहर कर देता है। पर चीन को एक्चुअल में स्थायी सदस्य की मान्यता नेहरू जी की गलती के कारण ही भारत को मौका मिला था, बट उन्होंने चीन को दे दिया। पता नहीं उस समय उनके क्या विचार में था जिसका हम लोग इतने लंबे समय से भुगतान कर रहे हैं। आइए दोस्तों, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है, तो आप सबको पता है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, काफ़ी फली फुली सभ्यता थी, और उसके बहुत सारे स्थान जैसे आप लोग का लोथल है, राखीगढ़ है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, चनहुदड़ो है, ये सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं, ठीक है। बहुत सारे पुरातात्विक स्थल यहाँ से हम लोग को प्राप्त हुए हैं, और पूछा गया है पाकिस्तान में इसका जो विस्तार है वो वर्तमान के भारत के, समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश पंजाब से लेके पूरा सिंध गुजरात वाला जो पूरा क्षेत्र है पाकिस्तान में भी है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान जो है वो पाकिस्तान में, तो सर वो हड़प्पा है। सर वो कौन है, हड़प्पा जो क्षेत्र था, ठीक है, यही सिंधु घाटी के लिए ये वाला जो स्थान है वो अभी वर्तमान के पाकिस्तान में, विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चले गया। दयाराम साहनी, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना सभी लोग, जिनको क्या ये राखल दास बनर्जी, इन लोगों को हड़प्पा संस्कृति या मोहनजोदड़ो की खुदाई का श्रेय जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजमेर में कौन से सूफी संत से संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी समझ लीजिए कि मान्यता प्राप्त स्थल है, और ये कौन थे सर, मोइनुद्दीन चिश्ती जी थे, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह यहां पर आप लोग को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है सवाल, यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, तो आप सबको बताइए कौन थे, अकबर जी थे, ठीक है। मुगल शासक कौन थे, अकबर जी थे, ठीक है, और इन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया, क्योंकि ये अपने जो भी इनकी राज व्यवस्था थी उसमें आपको पता है कि इनके नवरत्न थे, नवरत्न में हिंदू भी थे, इस्लाम धर्म के भी लोग थे, जैसे बीरबल जो जी थे वो इनके महारत्न में या इनके नवरत्न में माने जाते हैं, टोडरमल माने जाते हैं, जिन्होंने भूमि का पूरा सबसे पहला पूरा टैक्स सेंसेशन वाली जो पूरी सिस्टम बनाई थी, और ये सभी के सभी हिंदू संप्रदाय से आते थे, तो हिंदू धर्म को साथ में लेकर चलने के लिए इन्होंने दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। और आपको भी पता है कि लगभग 1576 के आसपास हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, जो कि क्षत्रिय कुल के सिरमौर माने जाते हैं, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं किया था, और बहुत छोटी सी सेना के साथ अकबर के लाखों की सेना से महाराणा प्रताप टकराए थे। युद्ध का जो निर्णय था वो अनिर्णायक ही रहा, बहुत सारी किताबों में अलग अलग किंवदंति रही हैं, परंतु महाराणा प्रताप फिर वहाँ से पकड़े नहीं गए थे, मतलब अगर राजा अगर जिंदा है तो भैया राज्य भी जिंदा है, ठीक है। चलिए, हालांकि उन्होंने अपने जीते जी अकबर के पूरे जो भी पूरा दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे उनसे भी अपने जितने भी अधिग्रस्त क्षेत्र थे 80% क्षेत्र को उन्होंने अपने जीते जी छुड़वा लिया था, ठीक है। चलिए, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं हैं, तो मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं, ठीक है। ये कौन सी हवाएं हैं, तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती है या मानसून हवाओं के कारण ही क्या होता है, वर्षा होती हैं,
तो इन हवाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून हवाएं कहते हैं। एक बात समझ लीजिएगा कि भारत में जो प्रमुख रूप से बरसात होती है वो अपनी बंगाल की खाड़ी से उठी हुई हवाओं के द्वारा होती है और 90% हिस्सा उसी का रहता है और 10% हिस्सा अरब सागर से आई हुई हवाओं का रहता है। तो भारत में प्रमुख रूप से जो बारिश होता है उसके लिए बंगाल की खाड़ी से उठी हुई मानसून हवाएँ ही रहती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है सर? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उससे क्या लेना देना है कि भारत का राज्य स्तर पर कोई भी अपना धर्म नहीं है। भारत का राज्य स्तर पर कोई निरपेक्ष धर्म नहीं है, भारत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, स्तर पर कोई धर्म नहीं है। और ये धर्मनिरपेक्ष शब्द आप सबको पता है, ये मेरे ख्याल से संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था और ये आई होप सो इंदिरा गांधी के टाइम में लाया गया था। भारत का राज्य स्तर पर कोई विशेष धर्म नहीं है, मतलब सभी धर्म भारत के लिए एक समान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका बस एक धर्म है और वो है भारतीय संविधान। भारत का शासन संविधान के हिसाब से चलता है, किसी धर्म ग्रंथ के हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है, विशेष नहीं है, ओके। भारत का राज्य स्तर पर कोई विशेष धर्म नहीं है सर, थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, विशेष धर्म नहीं है। चलो अगला सवाल ध्यान से देखो, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं, इसको लड़ा कीजिए, किसे जोड़ते हैं? तो याद रखना, जो भी उस राज्य के जो औद्योगिक केंद्र होते हैं, जो भी उस राज्य के जो इंडस्ट्रियल सेंटर होते हैं, औद्योगिक केंद्र, क्योंकि उद्योगों के लिए भैया आपको सड़क तो चाहिए, औद्योगिक केंद्र को राजधानी से जोड़ते हैं, औद्योगिक केंद्र को राज्य की राजधानी से जोड़ते हैं। और यही मेन पर्पस होता है हमारा, किसका? नेशनल हाईवेज का, राजधानी से, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, वो किसको किससे जोड़ती हैं? तो भैया ये जो भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं उनको कैपिटल ऑफ स्टेट से जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। यह शहर अंगूर के पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो भैया ये है नासिक। ये कौन है सर? नासिक, ठीक है। नासिक जो है महाराष्ट्र के हिस्से में आता है और आप सबको पता है कि ये अंगूर के पैदावार, किशमिश के पैदावार, ये जो भी सूखा जो ड्राई फ्रूट होता है, काजू, किशमिश, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध आप लोगों से पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में रिप्लाई कीजिए। क्या हो जाएगा भैया इसका उत्तर? कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो यही याद रख लेंगे सभी लोग। होल्ड मिनट, वायर फंस गया था अभी, एक मिनट। ये महाराष्ट्र, कहाँ स्थित है सर? महाराष्ट्र में, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना बस। मैं पूरे इंडिया जीएस के ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सबसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का सीरीज लेते आऊँगा ताकि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट के 10 क्वेश्चन बाकी हैं, थोड़ा एनर्जी दिखा दीजिए। मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रखी है क्योंकि एकदम सुबह सुबह वीडियो बन रहा है, सुबह 3:30-4 बजे, तो कोई बात नहीं है। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? भैया आपको पता है साइबेरिया को अपने आप में एक रेगिस्तान कहते हैं, किस लिए फेमस है सर? ठंडी जलवायु के लिए, एक मरुस्थल ही है सर, बर्फ का मरुस्थल, तो ये ठंडी जलवायु के लिए फेमस है। और इसीलिए कई बार लोगों को क्या किया जाता था, जो कैदी वैदी होते थे साइबेरिया के रेगिस्तानों में ले जाकर छोड़ दिया जाता था। अब वो कई कई सौ किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर तक क्या रहेगा, केवल बर्फ की चादर रहे, ओढ़े हुए जमीन रहेगी, आदमी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता है और बेमौत मारा जाता है, ठीक है। तो ठंडी जलवायु के विस्तृत क्षेत्र के लिए रूस को माना जाता है। आप सबको पता है कि दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उस पर सबसे बड़ा देश या सबसे बड़ा वो कौन है? तो भैया वो रशिया ही है, उसके बाद फिर कनाडा, फिर अमेरिका आता है, पर हाँ कनाडा खुद हिस्सा बन जाता है अमेरिका का, तो मिला जुला के उन लोग का एक अच्छा खासा लंबा एरिया बन जाता है। बट याद रखिएगा, रैंक 1 पे रशिया है, रैंक 2 पे कनाडा, फिर अमेरिका आता है, उसके बाद 7वें रैंक पर भारत का स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो अभी वर्तमान में भारत शीर्ष पर है, पहले चाइना पे था, अभी हमने चाइना को भी पिछाड़ दिया है और टॉप रैंक प्राप्त कर लिया है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ठीक है। 1857 का विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सबको पता है 1857 का जो विद्रोह था वो सैन्य विद्रोह था। वो किस विद्रोह के रूप में जाना जाता है सर? सैनिक विद्रोह या सैन्य विद्रोह कहा जाता है। ब्रिटिश सेना में ही जो भारतीय सिपाही थे, ठीक है, उन्होंने इस विद्रोह को किया था खुद ब्रिटिश सेना के खिलाफ। कारण ये था, मुद्दा था धर्म का, क्योंकि ब्रिटिश सेना में जो कारतूस यूज किया जाता था, जो गोली चलाने के लिए, उसे हम लोग मुंह से खोलना पड़ता था और ऐसा
माना जाता है कि उस पर गाय के या सुअर की चमड़ी लगी होती थी। तो भी अगर गाय की चमड़ी लगी रहती थी और मुंह से खोला जा रहा है तो हिंदू धर्म की मान्यताओं को उसमें बहुत जोरदार ठेस पहुंचा था, और सुअर की अगर चमड़ी लगी रहती है तो इस्लाम धर्म की मान्यताओं को बहुत जोरदार ठेस पहुंचा था। तो इस विद्रोह का आरंभ हुआ था मेरठ से। आप सबको पता है यहाँ पर मंगल पांडे नाम के एक विशिष्ट क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी सेना के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, और भारत में 1857 की क्रांति के जो पहले सूत्रधार थे वो मंगल पांडे जी कहा जाता है, पहले शहीद भी वही थे। ठीक है, चलिए आगे। किस उत्पाद के लिए अलीग मशहूर है? ये भी है ताला बनाने की, ताला निर्माण। ठीक है, ताला निर्माण के लिए अलीग शहर क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? अभी किसके सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई जी ने ग्वालियर में विद्रोह किया था और ग्वालियर का किला जीत भी लिया था? तो वो थे तात्या टोपे। कौन थे सर? तात्या टोपे, तात्या टोपे नानक साहब पेशवा, और साथ में हमारे बिहार की भूमि से आने वाले वीर कुंवर सिंह। ठीक है, उनके बारे में माना जाता है कि 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से, कई अंग्रेजों को ढेर कर दिया था। ठीक है, हाथ पे गोली लगी तो हाथ ही काट दिए ना, विष्णा फैले करके कटे हुए बाहों से लड़े थे। इसलिए कहा जाता है कि 80 वर्षों की हड्डियों में जगह जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है, वो भी रानी लक्ष्मीबाई के क्या थे, मतलब जब ये विद्रोह हुआ था 1857 का, रानी लक्ष्मीबाई उसमें प्रमुख वीरांगना बन के सामने आई थी, तो ये सब उनके साथी सहयोगी लोग थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को सैन्य विद्रोह में समर्थन के लिए अंग्रेजों ने दोषी ठहराया और इनको रंगून जेल में भेज दिया, और रंगून में ही इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। ठीक है, बड़े तेज थे अंग्रेज लोग। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत में तीन ही नेशनल हॉलीडेज हैं, तीन नेशनल हॉलीडे। आप बोलोगे सर दिवाली दशहरा ईद ये सब भी तो है, नहीं सर, नेशनल हॉलीडे तीन ही हैं। एक है स्वतंत्रता दिवस जिसे 15 अगस्त कहा जाता है, दूसरा आता है गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और तीसरा गणतंत्र दिवस जिसे हम लोग 26 जनवरी के दिन मनाते हैं। ठीक है, तो ये तीन ही नेशनल हॉलीडेज हैं, इसके अतिरिक्त जो बाकी सब हैं वो सभी के सभी आप लोग के अलग अलग धर्म में अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए, मगर तीन ऑफिशियल हैं। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो सर ये याद रखेंगे, कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी जी था। इनकी माता का नाम पूछा जाए तो माता का नाम इनका पुतलीबाई था, और इनके पिता का नाम तो सर करमचंद गांधी जी था, इसलिए महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात के पोरबंदर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। विश्व में अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में महात्मा गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण छवि है। ठीक है, चलिए, अमीबा में कुल कितने शैल मतलब कोशिकाएँ होती हैं? तो आप सबको पता है कि अमीबा एक कोशीय जीव है, इसीलिए उसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, और उस एक ही कोशिका से वो अपना भोजन प्रजनन सारी चीज़ें करता है। ठीक है, नागालैंड भारत में का विधिवत राज्य कब बना था? तो नागालैंड आप सबको पता है 7 सिस्टर्स में से एक इम्पॉर्टेंट है जिसकी राजधानी कोहिमा है, और ये 1969 में भारत का हिस्सा बना था। ऐसे ही सिक्किम की बात की जाएगा तो 1975 था। इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग समय में जो राज्य भारत से जुड़े हैं, स्पेशली जो हमारे ईस्टर्न सेक्शन वाले हैं और जो साउथ सेक्शन वाले नए नए राज्य जो बने उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता चल रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भैया ये है हमारा मालीगांव स्टेशन। कौन है सर? मालीगांव स्टेशन। ठीक है, मालीगांव स्टेशन। ऐसे देखा जाए तो खड़गपुर को सबसे बड़ा स्टेशन भी माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बट वो क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया मुख्यमंत्री का जो चुनाव द्वारा, ये क्या होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, और साथ में जो विधानसभा बनती है, जो भी विजित पार्टी रहती है वो अपना एक नेता प्रमुख चुनते हैं जिसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? सर राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल। राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। पूरे समूचे केंद्र सरकार में सर्वोच्च सत्ता में प्रधानमंत्री पाए जाते हैं, वैसे ही राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और राज्यपाल द्वारा, राज्य के प्रथम नागरिक द्वारा उसको शपथ दिलाई जाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
भैया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये कौन थे सर हमारे, इनका नाम याद रखेंगे, जिनपिंग मोरगे। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे सभी लोग। ठीक है, ये तेंजिंग नॉर्गे थे सर, तेंजिंग नॉर्गे। जिनपिंग मैं गलती से बोल दिया भैया, वो तो अपने चाइना के सबसे खतरनाक इंसान है, तेंजिंग मोरगे। ठीक है, ये नाम याद रख लेंगे सभी लोग। ठीक है, तेंजिंग मोरगे ये जो थे, सॉरी नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे। एक और नाम याद रखना, बछेंद्री पाल। ठीक है, ये भारत से, इनका बड़ा एवरेस्ट से संबंधी माना जाता है। और बाकी अगर उसकी बात की जाए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो भैया वो थे हमारे तेंजिंग नॉर्गे। इंपॉर्टेंट नाम है, सभी लोग याद रख लेना, बाकी और कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज हमने 50 क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट से सीरीज कवर की, और होप्स ये आप सब लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। अगले 50 क्वेश्चंस के लिए इस वीडियो में कम से कम मैं चाहता हूँ कि 400 लाइक्स तो आने चाहिए, 400 से 500 लाइक्स, उसके बाद ही फिर मैं नेक्स्ट वाला 50 क्वेश्चन का वीडियो रिलीज कर दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।